अभी हम और भैया जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, कोरोना का सेकेंड डोज, कोरोना वाला वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं। सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज ले लिए थे कुछ दिन पहले, और सेकेंड डोज लेने के लिए जा रहे हैं। गाँव में ही एक जगह पर लगता है, तो वहीं पर जाके लेंगे सेकेंड डोज। तो फाइनली वैक्सीन लगा लिए सेकेंड डोज। भाई दर्द हो रहा है थोड़ा सा दर्द हुआ था, बट लगा लिए फाइनली। मतलब ये सेकेंड डोज कंप्लीट हो गया, भैया का 6 महीना पहले कंप्लीट हो गया था, 6 महीना पहले लगा लिए थे, और मेरा आज कंप्लीट हुआ है। तो भी नहा के पूरा फ्रेश हो गए, और आप लोग को मैं थोड़ा सा चेंज दिख रहा हूँ, चेहरा थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, तो मैं हेयर बना के आया हूँ, थोड़ा सा शेविंग कराया हूँ। और जितेंद्र ये है मेरा क्लासमेट, बट दोस्त है भैया का। ये क्लासमेट मेरा है, लेकिन दोस्त है भैया का, जो हमसे बड़े हैं। एग्जाम सेंटर पे दोस्ती हो गया इन दोनों का, है ना? दोस्ती स्टोरी, लव स्टोरी होता है, दोस्ती स्टोरी। तो ये लोग जा रहा है वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। क्या चीज का फॉर्म अप्लाई करेगा? क्या चीज का? सीबीआई का। सीबीआई बिहार कांस्टेबल है, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ खेत का अप्लाई करने के लिए, खेत की तरफ में कोई चीज अप्लाई करना है उधर करके, और वैक्सीन लगा के आया हूँ, तब से हाथ दर्द कर रहा है मेरा। तुम्हारा सेकंड डोज हो गया है कंप्लीट? मेरा आज हुआ है, लगा के आए हैं। भैया का 6 महीना पहले हो गया है अभी। और एक चीज बताता हूँ सबसे, मतलब हंसी लगने वाला बात, आज भैया सुबह सुबह नहा लिए, तकरीबन 7-8 बजे नहा लिए। आज पता नहीं 7:30-8 बजे नहा लिए सुबह में, पता नहीं क्यों, इसका ही मन है, जब मन तब नहाता है, नहीं तो 10 दिन भी नहीं नहाएगा चलेगा। पिछले वाले ब्लॉग में देखे थे ना, सिर्फ मुंह धो रहा था, सिर्फ मुंह धो के रखा था, नहाता नहीं है। भैया के नाम पे पापी इंसान है। ओ भाई, तो अभी ये लोग जा रहे हैं और मैं निकलता हूँ थोड़ा सा खेत की तरफ में, कुछ काम है खेत सामने देखना है, जो गेहूं पटाने के लायक हुआ है या नहीं, मतलब पानी देने के लायक हुआ है या नहीं। तो जस्ट खाना खाए हैं, और खाना खा के अभी इधर आए हैं, और जाए मेरे नाना यहाँ पे, देखे नाना अभी जा रहे हैं खेत की तरफ में, देखे नाना यहाँ पे जा रहे हैं, नाना यहाँ पे जा रहे हैं, नानी भी आगे चली गई है। तो ये मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ ब्लॉग, तो नाना चले गए उधर, अभी जा रहे हैं नाना खेत हल्दी खोदने के लिए, मैं भी जाऊंगा कुछ देर में। अभी मैं थोड़ा सा खेत, मतलब गाछी की तरफ में जाता हूँ, उधर बच्चा सब खेल रहा है गाछी में, उधर ही थोड़ा सा जाता हूँ, एंजॉय लेता हूँ, एंजॉय लेते लेते फिर जाएंगे खेत। और थोड़ा सा गेहूँ सब देखना है कि गेहूँ में पानी देने लायक हुआ है गेहूँ सब या नहीं, वही सब देखने जाना है, और पंप को भी ठीक करना है। तो देखिए क्या सब होता है शाम तक, पंप का हेड लाने के लिए जाता हूँ या नहीं लाने जाता हूँ, दिखाते हैं आप सभी को, जैसा जैसा होगा वैसे वैसे। गाछी में पानी सब है, लगा है कहीं कहीं पे, फिर भी यहाँ पे बच्चा सब खेल रहा है। यहाँ पे पवन, विकास, रमन, और आज ये शिवम चोर बना है, आज खेलने लगा, ये कुछ दिन नहीं खेल रहा था, मतलब ज़्यादा देर तक इसको ना, मतलब परेशान किया ये लोग मिल करके, तो वो खेलना छोड़ दिया था। अरे रे, हाय कर सबको एक साथ, हाय। तो ये लोग आज लोग ये सब भी खेल रहे हैं, और सब कहाँ गए, गोलू सब कहाँ है? वो लोग नहीं आया, नहीं आया, चलो ठीक है खेलो। गाछी में मतलब पानी हुआ है ना, मैंने बहुत बारिश हुई है ना, तो पानी लगा हुआ है कहीं कहीं पे लगा हुआ है, तो फिर भी खेल रहा है बच्चा लोग। तो आए थे इधर ही, आज उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मौसम अलग टाइप का लग रहा है, लेकिन धूप का जवाब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा धूप है, बहुत ही तगड़ा धूप निकला है आज सुबह से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रहा था, मुझे उठ करके हेयर बनवाने के लिए जाना था, हेयर बनवा के आए हैं, उसके बाद में बैठे हुए थे, फिर हेयर में नींबू लगाए हुए थे, नींबू मतलब बोला था सैलून में जो आप नींबू लगा लीजिएगा, डेंड्रफ ज़्यादा ही है, तो हम लोग रूसी बोलते हैं, रूसी बहुत ज़्यादा रूसी हो गया था, तो नींबू लगा करके बैठे हुए थे घर में। तो फिर वहाँ से मतलब भैया बोलने आए, जो वैक्सीन लिया है सेकंड डोज, हम बोले नहीं लिए, बोल रहे हैं भैया, बोल रहे हैं चलो वहाँ पे गांव में हॉस्पिटल है एक, वहाँ पे गए थे लेने के लिए, तो वहीं पे भैया बोले जो वहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे दे रहा है सेकंड डोज, तो चलो ले लेना। तो
तो हम गए सेकेंड डोज लेकर के आए थे। उधर जाएंगे। वैसे खेत सब बहुत ही हरियाली लग रहा है अभी ना, बादल भी पूरा फ्रेश है एकदम, लेकिन तगड़ा धूप है, मानना पड़ेगा तगड़ा धूप है। देख रहे हैं, देखिए तगड़ा धूप है भाई साहब, तगड़ा धूप है। मस्त है, अपना खेत है ये, पूरा हरा है। और वो गन्ना का खेत है, गन्ना का खेत दिखाता हूँ, ये वाला, ये रहा गन्ना का खेत, ये वाला गन्ना का खेत है, ये दिख रहा है, ये वाला, ये गन्ना का खेत रहा। और चारों साइड जंगल ही जंगल है, चारों साइड से देख रहे हैं, मतलब पेड़ पौधा ही पेड़ पौधा है। और एक चीज़ दिखाऊंगा, अगर जंगली गाय यहाँ पे है, जंगली नील गाय होता है ना एक, हाँ नील गाय ही मतलब बोल सकते हैं हम लोग, तो बनगधा बोलते हैं, तो जो लोग इस एरिया के हम अगर देखते होंगे तो वो बनगधा समझ जाएंगे, और जो लोग नहीं जानते वो उनको शायद नील गाय या हाँ नील गाय ही बोल सकते हैं, नील गाय ही बोल सकते हैं। तो वो इधर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत फसल नष्ट करता है भाई, बहुत ही ज़्यादा फसल सब नष्ट कर देता है। अभी वो दिखेगा नहीं, वो जंगल सब में या गन्ना के खेत सब में मतलब छुप के रहता है, तो अगर निकलेगा तो होगा तो पास में तो नहीं जा सकते हैं वो, मैं खड़ा हूँ ना, मैं जितना हूँ मतलब वो जो जंप करेगा एक ही बार में मुझे जंप करके यहाँ से निकल जाएगा, अगर वहाँ से जंप करेगा तो वहाँ पे तक वो मतलब नीचे उतरेगा एक ही जंप में, मतलब बहुत उसका हाईएस्ट जंप होता है, बहुत बड़ा बहुत ऊँचा जंप होता है उसका। तो अगर वो सब तो अभी जंगल में होगा, मतलब वो उस जंगल सब में होगा, निकलेगा तो दिखा देंगे, निकलेगा तो दिखा देंगे जूम करके, वैसे उसके पास में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे नानी रही, यहाँ पे कुछ उखाड़ रही है, मतलब इस समय ये तो एक तरह सा घास ही है साग, बट उसमें भी एक अलग टाइप का घास होता है जो इन सबको नुकसान पहुँचाता है, ये साग सबको, तो उसके वो तोड़ रही है। और नाना वहाँ पे हल्दी खोद रहे हैं, देख रहे हैं नाना हल्दी खोद रहे हैं वहाँ पे। और ये पूरा नज़ारा इधर का मस्त लग रहा है देखने में, है ना। अभी गेहूं पटाना शुरू होगा, गेहूं में पानी देना शुरू होगा, ये भी अपना ही गेहूं है, इसमें भी पानी देना पड़ेगा, तो कुछ दिन के बाद देना हो, मतलब 7-8 दिन में देने वाला हो जाएगा पानी इसमें, तो देखिए कब तक दे पाता हूं इसमें। 2 hours later हम जा रहे हैं यहां से खेल के इन बच्चा पार्टी के साथ में, बहुत देर से खेल रहे थे, बहुत ही देर से खेल रहे थे, बाप रे बहुत ही मज़ा आ रहा था खेलने में। कैमरा पवन के हाथ में है, वो लो लाइट में कैप्चर नहीं कर पाएगा। हाय हाय, लो लाइट में कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसलिए पवन के हाथ में है कैमरा, मैं फोन से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। मजा आया ना खेल के? बहुत मजा ना, मजा आता है ना खेलने में, बहुत मजा आता है खेलने में। अभी जा रहे घर पे पैर हाथ धो करके बैठेंगे थोड़ा सा। इसको आज बहुत कौन 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 ज्यादा चोर था रे? ये बहुत हाँ। चोर बन चुका था, बहुत बहुत खेला है, बहुत खेला है तू, इसको बहुत खिलाया, बहुत 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 चोर था ये। 2 hours later तो अभी हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, पूरा खाना खा के भी सोने का तैयारी हो रहा है यहाँ पे। और आज भी हॉरर चलेगा ना, हॉरर एपिसोड पता नहीं, देखेंगे आज भी देखेंगे। ये क्या बैनर, क्या करोगे ये? अच्छा, हम लोग का जो मंदिर है यहाँ पे, श्री श्री 108 हनुमान मंदिर नवयुवक समिति, नहीं सही है, जय बजरंगबली बाबा, कहीं पे हम बैनर लगा देना है। तो हम लोग यहाँ पे सोएंगे और मूवीज होता, मतलब एपिसोड होगा ना जो वो एक था, कौन क्या नाम था उसका, वो कौन था वो एक एपिसोड करके एक चैनल नाम चैनल है, तो वो सब थोड़ा ज्यादा देख रहा हूँ अभी, तो अभी ना तो देखता हूँ, मजा लेता रहता हूँ थोड़ा सा, डर भगाने के लिए तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ भाई इसमें जिगरा है, इसमें ना रात को कहीं भी जाने का जिगरा है इसमें बंदा में, मैं देखा हूँ। हाँ इसको देखिए ये क्या कर रहा है, बैनर लगा रहा है ऊपर में यहाँ पे, देख रहे हैं यही पे, तो बल्ब को काटना पड़ेगा उतना दूर, सही रहेगा सही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह गजब फटा हुआ है वहाँ पे, तो ऐ तो शानदार, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल मस्त जुगाड़ लग रहा है।
भैया का बैनर लगाने का, निकालो सरिया का, भैया का बैनर लगाने का बहुत ही मस्त जुगाड़ लगा लिया है यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी रोजाना ब्लॉग देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट।